उसने इतना प्यारा क्यों बनाया तुमको। क्या बात है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लड़के किसके लिए पोएट्री कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, और आज हम लेके आए बॉयज पोएट्री इन मजाक रात का रिएक्शन। सो मजाक रात में हमने गर्ल्स पोएट्री तो बहुत बार सुनी है, एंड उसमें ये है कि वो लोग क्या कमाल की पोएट्री लिखते हैं, लेकिन जो है मेरे ख्याल से जो उर्दू शायरी लिखने का जो कला है वो सिर्फ गर्ल्स में ही लिमिटेड नहीं है, वो बॉयज में भी है ही। तो देखते हैं वो लोग क्या अच्छा खासा लिखते हैं। और मुझे पहले लगा था इमरान अशरफ को देखने के लिए सारी लड़कियां ही आती होंगी, पर यहाँ तो नहीं, यहाँ लड़कों में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, देखते हैं। और लाइक हम लोगों ने जितनी शायरी सुनी है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से इतनी सुंदर सुंदर शायरी लेकर आते हैं उनके लिए। और हम लोगों ने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके लिए शायरी लेकर आते हैं, और अभी तक हम लोगों ने कभी भी मतलब मेल वर्जन नहीं देखा जहाँ पे आदमी उनके लिए पोएट्री कर रहे हैं। तो ये देखा जाए हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हम इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हुई खत्म जब से वो सोहबतें, मेरे मशगले भी बदल गए, कभी रोए शाम को बैठ कर, कभी महकदे को टहल गए। तेरा हाथ हाथ से छुट गया तो लकीरें हाथ की मिट गई, जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब थे वो बदल गए। ओहो कमाल, तुमको देखा तो ये समझा हो सकता है, अच्छा एक इंसान भी सारी दुनिया हो सकता है। उनके आ जाने से चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा। ओहो दर्द भरी। रात में है लज्जतें इतनी, विशाल उसका नसीब होगा तो क्या बनेगा, जो शख्स दूर रहकर हरारते जा बना हुआ है, वो शख्स मेरे करीब होगा तो क्या बनेगा। क्या बात। मिलते हैं शबो रोज सभी लोग शनासा, मिलते हैं शबो रोज सभी लोग शनासा, एक तुझसे मुलाकात के अरमा बहुत थे। वाह। उन्होंने सर कुछ आपकी तारीफ की थी, अच्छा तो मैं एक शेर की सूरत में आपको बयान करना चाहता हूँ। जी प्लीज कीजिए। वो कहते हैं जी कि गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, कलाकंद हो आप, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं पर मुझे बहुत पसंद हो। सिंपल मीठी वाली शायरी। कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं, आने जाने का एक दरवाजा, खैर आता भी कौन है घर में, नाम लेवा रफाकतों के अमीन, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए और कुछ पुराने यार, लाओ बाली से चार छः शायर, एक जहनी मरीजा कत्ताला, कुछ ख्वातीन जिनका जिक्र नहीं, खैर मुझको भी कोई फिक्र नहीं, आए जाए कोई बला से मेरी, दोस्ती हो गई कजा से मेरी, अब यही तोड़ चाहिए मुझको, चाहे एक और चाहिए मुझको। कमाल। आप दोनों की नज़र एक शेर, मायार भी ना बदला और किरदार भी ना बदला, ना काफिला ही बदला और सालार भी ना बदला, सफरे इश्क है ऐसा हमेशा से ही इनका, दिलदार भी ना बदला और प्यार भी ना बदला। कमाल। वो बेवफा मेरा इम्तिहान क्या लेगी, वो बेवफा मेरा इम्तिहान क्या लेगी, मिलेंगी नजरों से नजरें तो नजरें झुका लेगी, और उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, वो नदां है यारो हाथ जला लेगी। रास्ते भी रखता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, फासले भी रखता हूँ, खुद को अगर बदला वक्त के मुताबिक तो वक्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ। ओहो मोटिवेशनल दिए, लड़के भी कम नहीं है ना। मंजिल की जस्तजू में क्यों खो गया राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। हाय हाय। छड़ जाना तो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता, जफाओं का हिसाब वो जुबानी नहीं रखता, अरे वाह, रोता नहीं या फिर उसे रोना नहीं आता, क्या बात है, संग दिल है के आंख में पानी नहीं रखता। और आपके लिए एक छोटा सा शेर है, मेरी चाहतों में एक शाम ऐसी आ जाए, तुझे मांगूं तो हर तरफ से आमीन आ जाए। वाह। एक शेर सुनाना चाहता हूं। सुनाइए सुनाइए। हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहे, वो भी हमें हर दम आजमाते रहे, मुकामे मोहब्बत में जब बनना पड़ा, हम मर गए वो बहाने बनाते रहे। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया तुमको,
दिल तो करता है तुमको सामने बिठा कर रखूं, उसने इतना प्यारा क्यों बनाया तुमको। क्या बात है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लड़की किसके लिए पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, महकता हुआ कोई गुलाब हो तुम, हमने जो देखा वो हसीन ख्वाब हो तुम, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो तुम। मतलब लड़कों की जो है ना वो बहुत डीप वाली है। जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक जमाने लग जाएं, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं, और एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखें, होश वालों के सभी होश ठिकाने लग जाएं। मैं अगर फूल की पत्ती पे तेरा नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं। क्या बात है यार, इंप्रेस्ड कोई भी हो। ख्याले वस्ल दौराने वुजू हम मसा करना भूल गए, ख्याले वस्ल दौराने वुजू हम मसा करना भूल गए, फकत इबादत ना की थी उसकी और वो हमारा नाम तक भूल गए। बाहर रुत में उजाड़ रस्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे, बाहर रुत में उजाड़ रस्ते, तका करोगे तो रो पड़ोगे, किसी से मिलने को जब भी मोहसिन, सजा करोगे तो रो पड़ो। तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से, आए तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से, कि जिंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे रो पड़ो। जानता हूँ मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे कि चांद रातों में जब किसी से मिला करोगे। बरसती बारिश में याद रखना सताएंगी तुमको मेरी आंखें, किसी वली के मजार पर जब दुआ करो। और अगली शेर है, इतने जालिम ना बनो कुछ तुम रवा सीखो, इतने जालिम ना बनो कुछ तुम रवा सीखो, तुम पर मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। ओहो कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, और अमल जरूरी है तकमीले तमन्ना के लिए, अमल जरूरी है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। रंगीन शायरी। दुख तूने दिए दर्द जमाने से मिले, गम सारे ये दोस्त बनाने से मिले, और हम तरसते 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 ही रहे, आप फलाने 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 से मिले। फ्रेंड ज़ोन्ड। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, उसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, और उसी का शहर उसी के लोग वही मुद्दे ही, हमें मालूम था हमारा कसूर निकलेगा। तेरी करीमी के आसरे पे हम गुलामों की जिंदगी है, तेरी करीमी के आसरे पे हम गुलामों की जिंदगी है, अरूज बख्शा हो जिनको तूने वहां ख्याले जवाल कैसा। कहानी कार को इज्जत बचानी पड़ती है, खड़े खड़े ही कहानी बनानी पड़ती है, किसी किसी को मिल जाती है फकत नाम से दुनिया, किसी किसी को दुनिया कमानी पड़ती है। क्या कमाल की थी। और ये देखा कि लड़के भी जो थे ना वो कम नहीं थे, और लड़कों की पोएट्री में ना दो चीज़ें देखी, एक बहुत या तो नॉर्मली एक सैड वाली थी कि भाई नहीं मिल पाई या फिर चली गई छोड़ के, वो चीज़ था, या फिर दूसरा जो पाने की था, तो वो लड़कियों में हमें कम देखने को मिलता, लड़कियों में यही था कि वो पाने का ज़्यादा होता था पर ऐसे सैड वाली कम होती थी, पर ये यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सैड वाली थी। तो वंचिका बता पाएगी कि उसको एज अ लड़की कौन सी अच्छी लगी सबसे ज़्यादा। मुझे सारी ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छी मुझे वो लगी कि जहाँ पे उनके लिए शायद वो पोइट्री कर रखी थी, कि जहाँ पे उनको ये बोला था कि आप इतने सुंदर हो कि आपको देखकर जो मूर्तिकार है वो भी आपको बनाने लगे, तो मैं ऐसे थी कि यार क्या बात बोली है, मतलब बहुत ही कमाल की शायरी थी। हाँ, पर जैसे पादू ने बोला कि वो अलग थी, जैसे लड़कियों वाली लगता था कि वो डेडिकेट कर रखे हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, और लेकिन कहीं कहीं बीच में दो तीन ऐसी थी जहाँ पे उन्होंने एंकर की तारीफ करी थी, लेकिन बहुत कमाल की शायरी थी ये भी, तो लिटरली मजा आ गया। वही एक्चुअली कमाल का था। तो आप लोग ऐसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।